क्या कर रहा है यार? आराम से जल्दी काम, शैतान का गांठ बांध ले, जीवन भर सुखी रहेगा। सर और थोड़ा सा पोहा। अरे अच्छा जी, तृप्त हो गया मैं तो, धन्यवाद। चलो चिंतन जी। सर हमारी भी छुट्टी हुई, ठीक है? उज्जैन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए ना? अरे दुबे जी एक मिनट। विजय ये आत्माराम जी हैं, हमारे बैंक में थे, एक नंबर कलाकार हैं, टाइपराइटर से स्केच बनाते हैं। टाइपराइटर से? हाँ। अरे वो आपके ब्लॉग का नाम क्या है? टाइपराइटर स्केच। टाइपराइटर स्केच blogspot.com। हाँ वही वही। शकल क्या देख रहा है? कला देख कला। ये टाइपराइटर से बनी है? हाँ। वाह क्या बात है। वैसे अपन कभी मिले क्या? उज्जैन है ही कितना बड़ा शहर, टकरा गए होंगे किसी गली चौराहे पे। नहीं 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 उज्जैन में नहीं, कहीं बाहर गांव। कहाँ देखा है आपको? रतलाम या देवास में, दोनों बेटियों की शादी हुई है वहां पे, तो जाता रहता हूँ मैं तो। नहीं देवास में नहीं, जहाज, हवाई जहाज में मिले अपन, है ना? डॉक्टर आत्माराम जी कभी ट्रेन में नहीं बैठे हैं और तू हवाई जहाज की बात कर रहा है? अरे ये आज तक रतलाम के आगे नहीं गए, वो भी बाय रोड। अच्छा तो फिर कुछ कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। नहीं सॉरी क्या बात है, मेरे को नहीं तो मेरे सर के किसी और को देखा होगा, अभी मामूली शकल वालों की कमी थोड़ी है देश में भाई साहब। अच्छा भैया चल आ जा। जरूरी उसमें लिखा था हुक्म हजूरी, हाँ उसमें लिखा था हुक्म हजूरी। ये जी आया था एक तार जरूरी, उसमें लिखा था हुक्म हजूरी, उसमें लिखा था हुक्म हजूरी। मुकेश दे दे। हाँ हाँ आप तो पहली फुर्सत में जैकेट का कपड़ा पसंद करके दे आओ उसको, एक दिन में सिल देगा क्या? हाओ हाओ हाओ। और सुनो घर जल्दी आ जाओ, छोटी और दीदी दो ही आ गए। हाओ 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 आता। प्रिय नाना जी आज आप पूरे 70 वर्ष के हो गए। आज नहीं परसों। हाँ पर तैयारी तो करनी पड़ेगी नी। नाना जी आज आप पूरे 70 वर्ष के हो गए, पर सब कहते कि आप 60 के भी नहीं लगते, और वो इस कारण कि आप रोज साइकिल चलाते हो। अरे बेटा हनी आगे तो बोल उच्च विचार। नाना जी आपके उच्च विचार
सात्विक जीने का ढंग और अध्यात्म में आपकी रुचि, ये सब से हमको प्रेरणा मिलती है। आप सच में एक महान व्यक्ति हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सिंपल आदमी हूँ, क्यों महान बनाने पे तुले हुए हो तुम लोग? नहीं बाबू जी, आप मानो या ना मानो, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। अरे फिर से रोने लगी तुम। बाबूजी महान व्यक्ति है, तभी तो बाबूजी हम सब के लिए रोल मॉडल है। ठीक, अरे बाबूजी आप महान हो। ठीक है ठीक है भाई, जैसी रही जिसकी भावना, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। एकदम सही बात जी। वकील साहब अब आज्ञा दीजिए, सोने का टाइम हो गया, सुबह जल्दी उठना है। शुभ रात्रि बाबू जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बर्थडे आज, आप ज्यादा भावुक मत हो। नहीं 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 नहीं, अरे अरे बच्चा पार्टी, चुप कर जाओ यार, दो मिनट बात करने दो। हाँ क्या बोले? नहीं नहीं सुनो, मैं कह रहा था कि डीजे वीजे को रेंदो, आप तो बस आज के आज डेकोरेशन कर दो एकदम लबरेज, हैं? घर चकमक चाहिए पूरा, समझे? रखू क्यों रे देवदास, बहुत तेज चल रही है। जलेबी चाहिए तो बाबूजी बोल, हैं? तेरे बराबर क्या क्या बाबूजी, चल जलेबी चाहिए तो पहले बाबूजी बोल, बोल 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 बोल। हमारा लाइफ देवगे, देव से, देव के जलेबी। अब सीखा हूँ बच्चा। अबे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? इतनी देर से कह रहा था ना बाहर जाके खेल। ये कोई छुपने की जगह है? बेवकूफ। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अरे अच्छा, बच्चे को चोट वोट नहीं लगे? महाकाल की कृपा समझो। अरे महाकाल भी आज जोड़ ले इसके आगे तो। ओहो, मुझे पता ही था बच्चे कुछ कांड करेंगे। माँ की ये वाली तस्वीर कितनी प्यारी थी बाबूजी को, दिन भर निहारते रहते थे इसको। बाबूजी के आने के पहले फ्रेम करवानी पड़ेगी पूरी। क्या हुआ? पीछे कुछ लगा हुआ है ना? नहीं, ये पीछे कुछ लगा हुआ है। ए, पासपोर्ट? हाँ पासपोर्ट, ये पकड़। तीन साल पहले बाबूजी थाईलैंड गए थे क्या? थाईलैंड? नहीं नहीं नहीं, तो थाईलैंड क्यों? महान बाबूजी, भगवान बाबूजी। देखो वकील साहब, सुन सुन, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की है। मैं कह रहा हूँ ये छोड़ देते ना हम इसको, हमारा क्या करना है? बाबूजी का पर्सनल मैटर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या, 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 क्या करना है? माँ की पेंटिंग टूट गई, वो बाबूजी ने बनाई थी ना, फ्रेम टूट गई। अमली मैटर है ये। वकील साहब लगा दे, ले, ले लगा दे।
फ्रेम बड़ा करके बाबूजी का। वकील साहब सुनो, वकील बड़ा सा फ्रेम बाबूजी का मंगान। वकील अभी बवाल करेंगे ये। भाई साहब वो नाश्ता तैयार था। हाँ जीजू कम से कम कुछ खाकर जाते। पानी भी रतलाम जाके पीऊंगा। बाबू जी से ये उम्मीद नहीं थी। ऊपर माँ को। नहीं नहीं दीदी रोने। हाँ हाँ छोटी तेरा पति भी तो बैंकॉक जाता रहता है, ध्यान देना उस पे। कंपनी से भी डीलर लोग जाते हैं ना बैंकॉक का साथ। हर कोई मुंह थोड़ी मारता है, तो क्या पता बाबूजी ने ये फोटो सत्संग की भेजा बनाट गया मेरा। तो ये सुगर में कर कैसे लिया यार इनने? उमर के मतलब कैसे क्या किया? उमर का तकाजा होता है कि नहीं मैं बता। सुन आराम से। लड़का मैं भी ना हो। अरे कौन चिरंजीव वाला कहा गया। बड़ा झूठ मुकेश भाई सुनो ना। बाबूजी यहीं पे तो बैठे हैं, एक बार सुन। ये उज्जैन है बाबूजी, क्या आग से तेज तो कब्र फैलती है, जितने मुंह उतनी बातें। तेरा गुस्सा बनता बेटा, मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं। नहीं इस उम्र में अलग इच्छाएं पनप रही इनकी। तो इच्छा है उम्र अनुसार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं लगता ऐसा आपको? कितने साल के बाबूजी हो रहे हो कल? सत्तर के हो रहे हो ना? सत्रह के तो नहीं हो रहे हो ना? सत्रह का आपका वो पोता हो रहा है वो ऋत्विक, थोड़ी तो शर्म कर जाओ यार। ऋत्विक और मतलब रखी क्या सिवाय जीवन के अनुभवों को छोड़ के? क्या खुशहाल जीवन जिया मैंने तुम्हारी माँ के साथ। कितना कुछ दिया उसने मुझे। फिर एक दिन वो चली गई, मैं अकेला रह गया। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। ये लो देवदत्त जी, ये ज्यादा गर्म नहीं है अभी, ठीक है? देखिए इरेक्शन लगता है इसके, यानी कि यदि हार्डनेस ऑफ पेनिस, जिसे लिंग की कठोरता भी कहते हैं, यदि किसी कारणवश लिंग में कठोरता ना हो तो उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्टडीज ये कहती है एक तिहाई लोग कभी ना कभी स्तंभन दोष के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दूबी जी कितनी देर से आवाज लगा रही मैं? कोई हूनी चूनी अन्नू नहीं आई स्कूल से? यानी लिंग में कठोरता या तनाव की कमी होना, इसमें होता क्या है कि लिंग की नसों में खून का प्रवाह खुशी खुशी आती होगी अनु, बोलो ना क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो दूध फट गया नहीं जरा, तो दूध लेने आया। कोई कोई बात नहीं, मैं देता हूँ देता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अब बैठो अब बैठो, बैठ 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 बैठ, मैं ले।
संभाल क्या गरम है। हमारा तो टीवी नहीं चल रहा दो चार दिन से, पता नहीं क्या हो गया। वैसे गोनू नहीं दिख रहा है ना, सो रहा ना अंदर। अच्छा हाँ चलती हूँ, अब देखो अपना प्रोग्राम। दो तीन दिन से पार्ट पे क्यों नहीं आ रहा है? दुबे सब ठीक है ना, कि घर में कुछ कलेश हुआ? अरे चक्कर है उसमें। आप कुछ बताएगा अभी? क्या बताऊं यार, बहुत गंभीर समस्या हो गई अपने साथ। स्तंभन दोष हो गया अपने। इसीलिए नहीं बता दिया था तेरे को, पूरा का पूरा गया या आ जा रहा है? नहीं आ जा रहा है। तो मालिक अब बिजली कटने वाली है। कभी तो मेरे बारे में सही बोल लिया करती बारी। अच्छा ही बोल रहा हूँ, ये समस्या नहीं समाधान है। ये समाधान है और नहीं तो क्या। वैसे भी इस उम्र में पावर का क्या काम, उल्टा मन भटकता रहेगा उसके कारण। नहीं, नहीं। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन यार तुझे तो पता ही है मेरी आधी जिंदगी ऐसी चली गई रूखी सूखी। अब इससे पहले कि मेरे फोटो पे भी माला टंगे, एक बार करना है। क्या करना है? सीमांकन। क्या तेरी बत्ती मारी गई है? अरे कल किन्ने देखा है शरीर साथ दे कि नहीं दे? तो अब कौन सा साथ दे रहा है? ये गुलब जैसी हालत है तेरी, लुप जुप लुप जुप। इससे अच्छा है ये बापू जी की माला रख। अरे नहीं भैया, इससे क्या होगा? क्या होगा? अरे चंचल मन स्थिर रहेगा और सुबह शाम जप कर जप, और अगली बार तू मेरे साथ बापूजी के आश्रम में आ रहा है, समझा? एक दोस्त था, वो भी मेरी बात को नहीं समझा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी समस्या भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब खुश हैं, लेकिन मेरे जीने की हर वजह खत्म हो चुकी है।
ध्यान से, पानी बहुत ऊंडा है नीचे। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, एक बार नीचे गए ऊपर नहीं आने के फिर तुम। अरे 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 आराम से, देखो देखो ऐसा है, जान लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अपने पास हल ना हो, आराम से। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ वही रुको, स्टेचू। क्या बच्चों ने घर से निकाल दिया क्या अंकल जी? तो आंटी ये झगड़ा पैसे की किल्लत। दिल में जो भी है ना अंकल, हाथ डाल के बाहर निकाल दो यार, आप बहुत लाइट फील करोगे टोटल एकदम। अरे बता भी दो यार, आप मजाक तो नहीं उड़ाओगे? मजाक क्यों उड़ाएंगे, लेडी की उम्र के आप हमारे नहीं। अपने संबंध उसकी समस्या हो गई अपने। क्या हुआ अंकल जी, ये संबंध दोष? लिंग में तनाव की कमी। समझा समझा समझा, मतलब गेंद पुरानी हो गई अपनी, नहीं रिवर्स स्विंग ज्यादा मार रही है अभी। ये कौन सी बीमारी होती भैया? तुम्हारे कान बहुत तेज है यार बाबा, कम सुना करो तुम थोड़ा। अंकल जी और क्या क्या होता है? बाईस साल हो गए, इतना सुख नहीं देखा। 21 साल तक मिसेज बिस्तर पे पड़ी रही लकवा। मेरी सबसे अच्छी मित्र थी वो, चली गई पिछले साल। वो दुख कम हो ही रहा था, ये समस्या शुरू हो गई। असली शिलाजीत दूध के साथ हर रोज एक गिलास, फिर देखना लिंग लोहे का हो जाएगा, लोहे का। ए बाबा एक बात बताओ, कौन सा नुस्खा दे रहे हो तुम दोनों आजकल? असली जहर नहीं मिलता, तुम शिलाजीत की बात कर रहे हो यार। अंकल जी मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, क्लियर कट प्रॉब्लम समझ गया। इस प्रॉब्लम को ना गोली मार दो बाबा, और कल सुबह टावर वाले चौराहे पे 10:30 बजे मिलो मुझे। ये संतुलन कुमार ना अंकल जी ऐसी सेटिंग बैठाएगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म। भैया मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना मेरे? अंकल मजाक उड़ाऊ ना, मेरे नाम को कुत्ता पाल लेना। साढ़े दस बजे पक्का। संतुलन जी अपन जा पा रहे? अरे वही सोच रहा था अंकल, मुंह की बात छीन ली आपने। अपने खान बाबा है ना, निम्का रिकॉर्ड वाले पहलवान। अरे अंकल जी आप उनको नहीं जानते? अंकल जी पूरे उज्जैन में वर्ल्ड फेमस है, वो 80 साल की उम्र में बाप बने।
85 लो, 85 में तो 5 का डिस्काउंट दे रहा था। मतलब अंकल जी इस उम्र में भी ना अपना निमका हाथ में थामे नोट आउट चल रही है। टंडी टंटनाट है उनकी, लोग आते हैं दूर दूर से इस नुस्खे के लिए। मैं दिलवाऊंगा आपको। क्यों सलीम, एक नंबर भियो। अब ये घर आता है कि नहीं? कहाँ, अब तो फोन भी नहीं उठाता है। तुम दोनों की लड़ाई में इस बच्ची का क्या कसूर? छोड़ना, संतुलन भैया ले लो, जब मेरे शरीर का कोई जरूरतमंद हो। किधर है तू? तेरा 2 मिनट नहीं हुआ अभी तक। जब दुकान पर ग्राहक आता है तभी तेरे को मुंह आता है। यहाँ दाढ़ी का साबुन सूख रहा है और तू उधर दीवार गिली कर रहा है। हाँ हेलो भैया। मोनी भट्टे के टाइम पर दिमाग बंद करता है। अरे आप इंडिया में नहीं हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अच्छा तू मुझे 2 मिनट पर दुकान पे चाहिए, समझा? अरे आ जाओ अंकल जी, अपने ना बहुत पुराने रिलेशन है इनसे, को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। बिल्कुल सब लोगों को जानते हैं अपन यहाँ पे। वो देखो वो रे बोरे पहलवान जी, नमस्ते पहलवान जी। खान बाबा से मिलना था पहलवान जी। काम बोल। नहीं ऐसा काम कुछ नहीं है पहलवान जी, ये अपने मित्र हैं आत्माराम दुबे जी, ये अपना जिला बैंक है ना उसमें सीनियर टाइपिस्ट थे, बेचारे रिटायर हो गए अब। पहलवान जी इनका बिना अखाड़े में उतरने का बहुत जोर से दिल कर रही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है इनका। अगर वो निमका वोक वाला नुस्खा मिल जाता ना पहलवान जी तो मजा आ जाता। निमका बुक वाला नुस्खा वो तो अब्बू से मिलेगा। और अब्बू कहाँ मिलेंगे? बैठक में है। लेकिन जरा संभल के, गुस्सा बहुत तेज है उनका। बेगम, नहीं नहीं पहलवान जी, नहीं नहीं पहले तो आपको बहुत 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 बधाई पहलवान जी, एकदम भयंकर वाली, मतलब इस उम्र में भी क्या प्रदर्शन किया आपने, मतलब कमाल कर दिया पहलवान जी, मतलब मान गया आपको पहलवान जी। देखो क्या है, सूरज धूल डालने से नहीं छिपता। समस्या बोल। पहलवान जी समस्या ना बहुत गंभीर है। अब आपकी जैसा कट्टर प्रदर्शन करने को दिल तो कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रही है। मतलब खिलाड़ी तो खेलना चाह रहा है लेकिन 12th मैन बना बाहर बैठा है, मतलब वो पावर नहीं है। पहलवान जी मैं समझा पा रही हूँ आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। परेशानी यहाँ है, मुझे पुराना मॉडल बैठा है, वहां परेशानी है। यहाँ सब सही सकते बार कब उतरे थे अखाड़े में? अपन तो मतलब अपन ने ऐसा थोड़ा ना था अखाड़े में। पहलवान जी 20-22 साल पकड़ लो आप। तलवार की धार तब रहती है जब उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल किया नहीं तुमने, लग गई जंग, जाम हो गई नसें, खो
खोलनी पड़ेगी। तलवार से? प्यास से, प्यास खाओ पेल के, इससे मर्दाना ताकत आती है। प्यास की गर्मी अंदर जाएगी, जाम नसें खुद ब खुद खुल जाएंगी। और कसरत, दंड पेलो दबा के, फिर देखना 10 दिन में असर। आसपास की छतें कूदने का मन करेगा, मगर कम से कम 10-12 प्यास, वो भी रोज के। ऐसा अब्बू, बड़े दादू बुला रहे हैं। अब आप निकलो, मेरे अब्बू बुला रहे हैं। और प्यास भूलना मत, प्यास अंदर, कमजोरी बाहर। इनकी भी अब्बू कच्चे में भी है। अच्छा, क्या बाबू जी, अच्छे लग रहे, दूसरी सब्जी बनवा दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत? हाँ, दिक्कत है। हाँ? पिछले कुछ रोज से मेरे दाएं पांव में ना झुनझुनी हो रही है, तो किसी ने बोला कि कच्चे प्याज खा लो ठीक हो जाएगी, तो बस वही है। मैं तो ऐसे परेशान हो रही थी, फिर गंभीर मामला सामने आया है। देख आत्मा, ये प्याज व्याज की बगतबारी छोड़, बापू जी की भस्म का सेवन कर। रहने दे, तेरे पर लेनी पड़ेगी बात। ठीक है, तो उतार ले अपना भूत, मैं भी देखता हूँ कितनी खटिया तोड़ता है तू। मेरे भाई, इस उम्र में शरीर और मन साथ साथ नहीं चलते। मेरे चलते चलते, तो बेकाई को इतने प्याज खा रही है। चलते है मेरे, हम समाज में रहते हैं, पर लोग में नहीं, कायदे कानून नहीं है। क्यों देखूं परछाइयां, क्यों बढ़े अब ये तन्हाइयां, आधा सा हूं उम्मीद में, आधा सा मैं हूं नींद में। काफी जमीन पांव की, क्या बात है अंकल जी, बहुत हाफ रहे हो, लगता है धमाधम समागम चल रही है फिर। अरे नहीं नहीं, पिछले 10 रोज से ठंड फैल रहा हूँ, और प्याज तो इतने खा लिए कि पसीने से भी प्याज की बदबू आ रही है।
नहीं क्या अंकल जी, देखो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं अरे नहीं नहीं, कोशिश तो पूरी चल रही है, और आपसे बात करके ना थोड़ा हौसला मिल जाता है। अरे नहीं नहीं अंकल जी, कैसी बात कर रहे हो यार, हमको तो बस आप खुशखबरी दो यार अंकल जी, अच्छी थी हा? उसका वेट रहेगा अपने को। चलिए अंकल, ओके अंकल जी, गुड नाइट। हेलो फोन में से प्याज की बदबू आ रही है। भैया काय को बुड्ढे अंकल की ले रहे हो, छोड़ो यार, सीधा सिंपल आदमी इशारा। अबे अपन भी तो सिंपल ही है। देख गुड्डू, तेरे पास मनोरंजन के लिए टीवी है, अपने पास मनोरंजन के लिए कैसे टीवी है, अपन लाइव देख रहे हैं। ये दर्द दो पल का है, आंखों से जो छलका है, रहना नहीं बरसात ने हमेशा, आना है धूप ने। ये मेघ तो हल्का है, मुझको पता कल का है, हंसता हुआ आएगा वो कहीं से, एक रोज सामने। क्या हो गया मुकेश? क्या हुआ, वही तो पूछ रहा हूँ, तेरी रात को क्यों चिल्ला रही हो? प्याज करंट करंट लग गया आपको? लगा नहीं, आ गया। मैंने बताया था ना कि वो दाएं पांव में झुनझुनी जैसे वो। हाँ हाँ, झुनझुनी को क्या हुआ? एकदम से चली गई। चली गई? आंटी, अरे कुछ नहीं आंटी, वो बाबूजी को करंट आ गया। करंट? पर वो बिजली वाला नहीं, उनका दाया पैर जो सुन हो गया था ना, उसमें जान आ गई। हे भगवान, मैं तो डरी गई थी, अब करंट आ गया नहीं तो उनको बोलो अब ज्यादा इधर उधर भटके नहीं साइकिल पर। हेलो अंकल जी, अरे 100 साल जी हो गए, अभी आप ही को याद कर रही था मैं। हाँ रात से आपको याद कर रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे मेरा शुक्रिया अदा क्या अंकल जी, आप बस मिशन कामयाब करो यार, समझ लो मेरा शुक्रिया अदा हो गया। मिशन तो कामयाब हो गया। हो गया मतलब मतलब धमाका हुआ? अरे डबल धमाका हो गया, बस आपका मुंह मीठा कराना। अरे मुंह मीठा करे मेरे दुश्मन अंकल जी, अपन तो मुंह गीला करेंगे, पार्टी देनी पड़ेगी आज आपको शाम को। अच्छा अपन तरबतर कर देंगे। मैं घर में बोल के आ जाऊंगा, सत्संग पे जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर शाम को पाठ में, महाभारत आरती भी होगी ना वहाँ पे। तो उस दिन हम जब पहलवान के पास गए, उस दिन मेरे को ऐसा लग गया कि अपना रिश्ता बहुत दूर तक जाने वाला है। अंकल जी मतलब समस्या को वो क्या कहती रही, वो समोसा समसोदा समाधान। हाँ समाधान, समाधान के लिए अब उसका उपयोग वगैरह कुछ सोचा? तो सोचना क्या है इसमें? मैं बताता हूँ अंकल जी क्या बोलना चाह रही है, कि मतलब ऐसा अपना भी मन करता होगा ना कभी ना कभी। हाँ। तो है? मन तो करता है, लेकिन खाता कानून एक चीज होती है,
समाज में रहते हैं, इस उम्र में शोभा नहीं देता ना। अंकल जी देखो, शोभा का तो हमें नहीं पता, लेकिन फुलवंती अब इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है राकेश की। है राकेश, बोलो तो अभी फोन करवाता हूँ। बिल्कुल अंकल जी, लगाऊं कि आप ही लगाओगे? यहाँ उज्जैन में मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। देखो अंकल जी, एक हाथ जो करे तो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ, इसी को संतुलन बोलते। आप बस हाँ बोलो। देखो क्या है ना, दो चार पैसे उस बेचारे की भी बन जाएंगे। नहीं कर दे फिर। अरे अंकल, अरे किधर हो यार आप? आपसे जल्दी तो हिंदी फिल्मों की पुलिस आ जाती है। फिर तो मेरे पोते को ना थोड़ी वो दस्ते लग गई थी तो उधर वो। अरे वक्त बर्बाद मत कीजिए अंकल, सीधा एंट्री कीजिए रूम नंबर 108 में, इंतजार कर रही है आपका। क्या है ना, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं आपने। वो नहीं करना था आपने, रूम नंबर 108। अरे अंकल, 108। अरे अंकल आप यहाँ? अरे बेचारा नहीं गुल्लू, अरे गिरीश अग्रवाल जी का बेटा। अरे कहा मरी गयो, दो ही कुत्ता होन, टांगा नहीं तोड़ दिया तो मारा नाम भी फुल्लो नहीं। दो घंटा बैठा के रखियो इसकी बारा की ढेर। अब दादा तम्मे बताओ, टाइम की कोई कीमत होए कि नहीं होए? अब तमने टिकट कब टुक की बुकिंग की होती तो तम लेट होते कहीं? अरे चोरी करने में दिमाग है कि नहीं है? शरीफ आदमी के सामने बच्चा बच्चा करने जा रही है। बताओ जी आप यहाँ? तुमने लो लॉज खोली मनोहर के बेटे ने, उसके अलावा मुझे नहीं पता था। मैं क्या कह रही हूँ, सोचा उसके? अरे फूलवंती राकेश पूछ रही था, प्लेन अपना यार। नहीं संतु जी, मैंने कल पूरी रात मैडम के बारे में सोचा। यहाँ संभव नहीं, किसी ने देख सुन लिया तो अपना तो क्रिया खराब हो जाएगा ना। अरे ऐसे कैसा अंकल, आप बस ये बोलो आपका मन है कि नहीं हा? आपका मन है कि नहीं तो बस फिर मैं संभाल लूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। अरे आत्मा, ठीक है अंकल जी आप कंटिन्यू करो, अपन आराम से बात करते हैं। चलो ओके अंकल, चल नी बाय बेटा। क्या हाल है भैया? अरे संतू भैया कौन थे ये अंकल जी? अरे अपना नया झुंझुना है, बहुत एंटरटेनिंग आदमी है ये। अरे चल नी मैडम थोड़ा देख के। एक बार बहुत दिनों बाद आए भैया, आप किधर रह गए थे? यहाँ था ही नहीं मैं। अच्छा फॉरेन गया था, बैंकॉक थाईलैंड। थाईलैंड बैंक तो भैया ये तो अपना उधर आ गया ना अमेरिका की साइड में। अरे कर दी ना उल्लू सरी की बात, अमेरिका लेफ्ट में आता है और बैंकॉक राइट में, इस तरफ जन्नत का पता। ओए होए 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 क्या लड़कियां हैं। ये तो रुक मत, और सैंडविच मसाज के तो क्या कहने। सैंडविच मतलब भैया खाओ और मतलब खाते खाते। अरे नहीं बे, वो ब्रेड बन जाती हैं, तुम टिकिया बन के लेट जाते हो और फिर दोनों तरफ से फुल नेकट। माँ कसम फुल मतलब कच्चा भी नहीं। अबे तुझे पता क्या है, फॉरेन में लड़कियां बहुत कम कपड़े पहनती हैं। क्यों भैया? तेरे को ज्यादा पता है, तू बोल दे। नहीं नहीं ये मैं तो मतलब देखा ना सब। अरे संतू भैया दो मिनट चुप करेंगे आप। अरे जुगनू भैया आप बताइए ना। अरे फुल क्रीम वाला बिस्किट बना दिया था मेरा। ओए 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 भाई साहब जन्नत, फुल क्रीम निकाल दे ये टोटल। भैया मैं आया, जोर से बाथरूम आ रही है। ओह नो, यस इसका तो सुन के ये हाल है, वहां पे जाके तो मौत ही हो जाएगी इसकी। अरे
रशियन, अमेरिकन, इंग्लैंडियन। इंग्लैंडियन? हाँ, हर तरीके की मिलती है वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड। भैया मतलब कैसे जाते हैं थाईलैंड? मतलब ऐसे, मतलब कोई भी जा सकता? हाँ कोई भी, बस पासपोर्ट होना चाहिए, नोट होने चाहिए। देखो ना कोई जानने पूछने वाला, ना कोई याद रखने वाला। इमेजिन करो, एकदम खुले गगन में ना फ्री बर्ड बन के घूम रहे हो आप। नहीं संतु जी, सवाल ही नहीं उठता। तो रतलाम के आगे नहीं गया हूँ, थाईलैंड कहाँ से चला जाऊंगा ना। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं होगा यार अंकल। देखो मैं क्या कह रही हूँ ना, पुनर्जन्म हुआ है आपका, इस्तेमाल करो वरना लाइफ वेस्ट जाएगी आपकी। नहीं ना। अरे अंकल जी हो जाएगा, अरे मैं करा दूंगा यार। अच्छा काट तो लेते जाओ। देखो अंकल जी, मैं तो क्या है ना, एक शुभचिंतक की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अंकल जी आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, मतलब जो खून पसीना बहाया ना आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं उसे कह रहा था अंकल जी के शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए बस। नहीं मालूम मेरे को, आप हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे। तो अंकल जी आप भी सोच लो ना एक बार मेरे लिए। वो थाईलैंड का, हाँ बस इतना ही कहना था अंकल जी। रखता हूँ अंकल जी, शुभ रात्रि। हेयर कट का टाइम हो गया क्या? चिक्की बेटा एक बात बता, कि तेरे कंप्यूटर में पूरी दुनिया देख सकते हैं क्या? हाँ दादू, आपको जो भी देखना है यहाँ पर टाइप करो और एंटर दबा दो, सिंपल। कोई भी जगह? अब देखना दुबे जी जल्दी से भीतर जाएंगे और भचाक देने से दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसा आंटी, ये गोनू को एक आध घंटे के लिए संभाल लोगे? नहीं करना कुछ नहीं है, ये खाना वाना सब खिला दिया मैंने, और रोए तो ये लॉलीपॉप दे देना इसको। हाँ जी, नमस्ते। जरूर पिछवाड़े से बुलाती हूँ। ऐसा चड्डी गीली होगी इसकी। हाँ। कब से दरवाजा ठोक रही हूँ। अरे मैं बाथरूम में था ना। बाथरूम में? शायद को बुला रहा है आपको बाथरूम से। नहीं नहीं, विश्वास करो मैं घर में अकेला।
नहीं, क्या है? कंप्यूटर इसीलिए लाके दिया तुझे ताकि तू ये अनभन चीजें देखे हैं? क्या बाप ने मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज। मैं इंदौर से आगे नहीं गया आज तक, और साहब जाते को बैंकॉक जाना है। बैंकॉक जाएगा तू? पापा मैं सच बोल रहा हूं। ये हिस्ट्री गलत बता रही है, गलत बता रही है। बेवकूफ समझा मुझे? कौन बता रही है तुझे ये सब? मुझे सच सच बता, नहीं संपर्क दूंगा खींच के। मैं तो कब से कह रही इंटरनेट कनेक्शन कटवा दो। स्कूल में भी 2-3 बच्चों की कंप्लेन आ चुकी बाबूजी। क्या हुआ मुकेश, इतना क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। आंटी आजकल की औलाद है, क्या बताऊं? ये कंप्यूटर उसको पढ़ाई के लिए लेके दिया है और ये उल्टी सीधी चीजें देख रही है इसमें। अरे फिर से बिजली चली गई, दरवाजे खिड़कियां बंद करो भाई। मैंने सुबह पेपर में पढ़ा अपने उज्जैन में एक बिजली गैंग आया है, पहले बिजली काटता है फिर पूरा घर लूट के लेके जाता है। जेवर संभालो, जेवर संभालो। हे राम, मेरे घर के तो सारे दरवाजे खुले, मैं जाती हूँ। बाबूजी आराम से, बस आप एक काम करो, कल इसके बाल ना इतने इतने करा देना एकदम फौजी कट, और तू जिस उम्र का है ना उस उम्र की चीजें कर। दादू, आपने कंप्यूटर पे कुछ देखा था? हाँ दादू। अरे बेटा सो जा बेटा। दादू कौन से काम किस उम्र में करना चाहिए कौन बताता है? क्या है बेटा, हर जनरेशन जो है ना अगली जनरेशन को बताती। मेरे बाबूजी ने मुझे बताया। फिर आपने पापा को बताया? हाँ। क्यों बताया? वही तो गलती हो गई अपन से। जी मैंने आपके सुझाव के बारे में बहुत सोचा, लेकिन एक दुविधा है, घर वालों को क्या बोलूं? बता के जा नहीं सकता और झूठ बोलना चोरों का काम है। देखो अंकल जी, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका हल ना हो, इसका भी ढूंढ लेंगे मिलके। उससे अच्छी बात है एटलीस्ट आपने मन तो बना लिया, मतलब मेरा तो सीना चौड़ा कर दिया अंकल जी आपने। नहीं आपके नए जज्बे को सलाम है यार, आप बेस्ट डिसीजन है आपका। और सही बताऊं तो मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि आपके साथ चलूं और दोनों भाई उधर एकदम खुल के मजा करें हम एकदम। कैसी बातें कर रहे हो आप संतोष जी, तो विवाहित तो ना, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो प्रेम की डोर है ना, उसको कैसे काट सकते हो आप? ऐसे ही बोल रहा था अंकल जी, मतलब आएगा ही बात है, मैं इधर ही हूँ, आप जाओ एकदम बेफिक्र, मैं इधर ही हूँ। आपकी वजह से हिम्मत आ गई, वरना अपन ने तो आवाज दूर से भी नहीं देखा है। कैसी बात कर रहे हो अंकल जी, आप बोलो, आपको ना एकदम पायलट के साथ में बिठाते हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रजापति को फोन कर दे फिर, पासपोर्ट बना के रखते हैं अपन। यही मिलेगी अंकल जी। भैया आप तो बस बिना पढ़े एकदम हाँ बोल दो, क्योंकि एक नंबर ऑफर है। अब अंकल जी से इतना मन लग गया ना सबका सत्संग में, सबने बोला इनके बगैर दिल नहीं लगेगा 8 दिन की यात्रा पे। आप अच्छा फिर ऑफर भी इतना अच्छा है, बार बार थोड़ा ही मिलता। नहीं सही सही, तिवारी अंकल भी आ रही है।
एक बार जरा चेक कर। तिवारी का बेटा और बहू पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे बेटा। अच्छा हाँ, नहीं नहीं बता रहे थे अंकल। नहीं नहीं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार बाबूजी से पूछ लो क्या उनके पैर में झुनझुनी बोल रहा थी। क्या अंकल जी अभी पैर का इशू अपना हुआ ठीक? हाँ नहीं 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 पैर तो एकदम सही साट है अपना। अच्छा पर मुकेश हाँ मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अरे क्यों बाबूजी क्या हो गया? अच्छे लोग हैं, अच्छा ऑफर है, वो आओ। नहीं लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। फिर और वो चिक्की को स्कूल कौन छोड़ेगा ना, फिर गोनू को ध्यान कौन रखेगा पूरा दिन, कहाँ रहेगा बेचारा। बाबूजी छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेना बंद करो आप। हैं अनु अनु एक हफ्ते छुट्टी ले लेगी, लो हो गया सही साठ। मैंने सेम चीज बोली भैया। हाँ। अंकल जी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। क्या है ना शरीर का साथ है, कमा लो पुण्य, कल किन्ने देखा। नहीं नहीं एकदम एकदम सही बात है, सही है। नहीं नहीं आप तो इनका नाम ऐड करो लिस्ट में। हाँ, लिखता हूँ लिखता हूँ। बाबूजी थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी, है कि नहीं? नहीं नहीं मन तो इनका पूरा बहला देंगे अंकल जी का। अंकल जी धीरे धीरे धीमी हुई आँच अगन में, लाखों संदेह के भी बंसी है मन में। हारूंगा ना मन से कहूं, ढीली ढाली राहों पे मैं तन के रहूं। माना मन बेमजा है, जीना भी एक सजा है। धरा जहां दिन ये वहां चढ़ना भी है, रुका हुआ राह आगे पढ़ना भी है। धीरे धीरे धीमी हुई आँच अगन में, लाखों संदेह के भी पंछी है मन में। दुनिया के डर को पहले समय ना रहा, अभी अभी थामा मैंने मर्जी के हाथों को, चला जहां मन चाहे जाना। सांसों की माला मैं मर्जी का धागा हो, संतों ने है ये कहा। अरे दुबे जी माना मन बेमजा है, जीना भी एक सजा है। मुकेश को कहना कि घुमारे नहीं। दुबे जी आज इसमें प्रसाद लाना मत भूलना। अरे आंटी जाएंगे तो लाएंगे ना। चल भैया चल। बाय बाबूजी। ये अन्नू के प्याज के नुस्खे से ना मेरे हाथ की झुझरी चली जाए। चली जाएगी। तो अंकल जी याद रखना, जाते ही दिए हुए पते पे पहुंच के मिशन कंप्लीट करना एकदम टोटल। चलो फिर अंकल जी। अरे अपना पुराना फोन तो दे दो मुझे, और नया वाला वहां जाते ही चल्लू कर लेना। अंकल जी बेचारे तो हवाई यात्रा अंकल जी। हाँ संतु जी। अंकल जी। अरे अंकल। हाँ अपना ध्यान रखिएगा आप। एक मेरे लिए डॉक्टर की डिग्री है, अंकल ने डॉक्टर बना दिया। ये भी आपके। अरे ये सब क्या है अंकल जी? आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बाद में आराम से खोल के देखना अंकल, ख्याल रखना अपना। अरे अरे मान जाओ यार, रोक लो अब भी टेम है। अरे समझाओ यार संतु भैया को।
संतुल भैया, मजाक मजाक में ताजमहल बना दिया आपने। इसी का नाम तो संतुलन है बेटा। ये मेरा है, ये आपका। आपको सर्दी लग रही है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आपने मोफलर इसे लपेटा हुआ चेहरे पे। आपके कोई रिश्तेदार रहते क्या बैंकॉक में? नहीं तो? तो आप भी अपना चेहरा ढक लो कि बैंकॉक की फ्लाइट है। कोई अगल बगल वाले ने सेल्फी फोटो खींच के इंटरनेट पे डाल दिया तो आप फेमस हो जाओगे। संतुलन जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा कि आपके जैसा दोस्त मिला। मैं जानता हूँ मेरी मदद में आपका बहुत समय नुकसान हुआ होगा। मुझे पता है कि आपको रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपने जो मेरे लिए किया उसका तो मोल पैसों में लगाया भी नहीं जा सकता। फिर भी ये 5,000 रुपए एक मित्र का, एक मित्र को उपहार के तौर पे आप ले लो। संतुलन जी, आपके सारे दोस्त भी बहुत नेक और ईमानदार हैं। बस आप सभी में एक ही चीज की कमी है कि आप लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मेरा कहना है कि आप लोग भी मेरे जैसे साइकिल चलाना शुरू कर दो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, बाकी सब बेहतर है। क्षमा कर देना कुछ, ढेर सारा प्यार आपका सदैव आत्मा राम दुबे। और ये अंकल जी का सिक्सर। ओ तेरी गजब संतु भैया, ये तो सेम टू सेम आपका सरीका है। अबे मेरी फोटो है तो मेरे सरीके का ही होगा ना। आ, पर जो भी बोलो, अंकल जी ने संतु भैया को एकदम सगा मान लिया, जबकि संतु भैया खुद के सगे नहीं है। ये तो है। इंडिया से हो गए? नहीं, पाकिस्तान से। फरमाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे। पाकिस्तान से भी? अच्छा। अरे भैया, अरे भैया, यस यस डार्लिंग, आई एम कमिंग, बूम बूम। बस 1 घंटा, आई विल बी देयर। व्हाट आर यू वेयरिंग? या भैया, या अरे ये मुंह क्यों ढका हुआ है? बेबी होल्ड ऑन 1 मिनट। आप ही ने बोला था ना प्लान में। अरे वो हवाई जहाज की बात थी, यहाँ पे किसके पास टाइम है बोलो। अपने को, मेरे को जाना था वहाँ पे। कहाँ पे? हतुमान। हतुमान, यू गो सीधा सीधा 1-2-1-2 गेट, देन टेक अ लेफ्ट, वहाँ पे मेट्रो मिलेगा। मेट्रो ट्रेन? ट्रेन मेट्रो की सीढ़ी से नीचे, मेन रोड। मेन रोड टैक्सी, टैक्सी संतु भैया, ओ संतु भैया, लगता है आत्मा राम जी का मोबाइल आ रहा है। अरे उठाओ।
हेलो, राम राम भैया, मैं संतुलन बोल रहा हूँ। अरे भैया राम, कैसा क्या? पहुँच गए सही साइड, कैसा रहा सफर? अरे बेहतरीन, क्या बात है। बात कराओ नहीं जरा बाबूजी से? बाबूजी से? बाबूजी तो अभी गए हैं प्रेशर कोने, वाते हैं तो मैं बात कराता हूँ। अरे ओहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बाकी आप एकदम ना निश्चिंत रहो, हम सब मिलकर उनकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। संतुलन जी, आप लोग हो तभी तो अपन निश्चिंत रहेंगे। नहीं नहीं, आप तो अपना कार्यक्रम जारी रखो है। बाबूजी को याद से बता देना कि फोन किया था मैंने, कॉल करें। रखूं? अच्छा, राम जी। अरे भैया, आदमी वही है जो बिना नशे के झूमे, रोजी रोटी के लिए टैक्सी तो एक बहाना है, दिन रात सुबह शाम सड़कों पे खुले आम, जाने कितने लोगों से टकराना है। हेलो ब्रदर, इंडिया कहाँ जाना है? अभी इंडिया से हो गया? असी सब जगह से है जी। हाथम बन जाना है अपने को, वो जहाँ जाके लोग अपना वो प्रोग्राम करते हैं ना, वो जहाँ दुनिया के हर कोने से कलाकार है आते, कोई लेकर अपना आर्ट और थोड़ी बीच, लेकिन दिखता वही है जो थकता नहीं है, जो रुकता नहीं है और दिल से है ठीक। पक्का पहुँचा दोगे ना भैया? फर्स्ट टाइम इन बैंकॉक? वो हमारे दोस्त हैं संतुलन कुमार, उनने कही कि एक बार तो जाके आओ बैंकॉक, तो फिर मैंने भी सोचे कि प्रोग्राम करके आ जाते हैं अपन भी। संभल के ब्रो, यहाँ आना आसान है लेकिन वापस जाना बहुत टफ है। रियली? हाँ, जैसे मेरे परदादा आए थे वापस ही नहीं गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ? गजब, आपके परदादा भी प्रोग्राम करने के वास्ते आए? अरे नो ब्रो, कोई प्रोग्राम नहीं, वो तो अपनी फैमिली में सिर्फ हम हैं जिसे गाने बजाने का शौक है। वैसे काफी कलरफुल फैमिली है हमारी। लिसन टू दिस, 5, 4, 3, 2, 1, गो। टेढ़ा मेढ़ा है मेरी फैमिली फोटो फ्रेम का फरमा, परदादा ब्रिटिश आर्मी में थे पोस्टेड इन बर्मा, थाई कुड़ी से मैरिज करके थाईलैंड में बस गए, दादा बांग्लादेशी से शादी करके यूं फंस गए, पापा की वेडिंग हुई विद अम्मी पाकिस्तानी, फिर हम हुए। दिस इज माय कहानी। और ये है पद्मा 939 एंड माय सेल्फ झंडू सिंह द ग्रेट, वॉइस ऑफ थाईलैंड। कहीं जाना हो, बैंकॉक घूमना हो, जस्ट गिव अ कॉल, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए हाजिर हो जाएगा। All the best for your program. अच्छे से perform करना। टैक्सी वाले भैया छोड़ के गए, मुझे तो बोला यही जगह है वो, मैं तो เข้าไปด้านในไหมคะ हां เชิญเข้าไปด้านในค่ะนี่สี่जगह पे आ गया हूं मतलब เชิญด้านในค่ะสบายTwo 200. Yes. बहुत ही प्रोफेशनल काम है आप लोग का। मेरे को तो कार्ड वाली मैडम वेल इंडिया। नहीं, आप भी बहुत ही खूबसूरत हो, मैं वैसा नहीं कह रहा था। हनी खा चले चल हनी खा Thank you.
निकाल लियो यार आप। कैसा रहा सफर? नहीं वो कार्ड वाले पते पे गए कि नहीं? अरे वही तो संतू जी, यहाँ पे तो कोई कथक का प्रोग्राम हो रहा है। कथक? अरे ऐसे कैसे हो सकता है अंकल? नहीं वो कार्ड वाली लड़की मिली कि नहीं मिली अपना को? कहाँ मिली? और वो कथक देखने के नाम पे इन लोग ने मुझसे 200 रुपए लोकल करेंसी में भी ले लिए, वापस नहीं लौटा रहे अंकल को। और वो जो मोबाइल है नया वाला, वो भी नहीं चल रहा है। मैंने बहुत बार बंद ऑफ करके देख लिया लेकिन वो और नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। अरे अंकल सिम ही नहीं डालोगे तो सिग्नल कैसे आएगा यार? सिम तो डालना पड़ेगा ना अपन को। हाँ मैं सिम डलवा लेता हूँ लेकिन वो अपने फ्रेंड से कंफर्म करो ना कि उनने प्रोग्राम कहाँ किया था। मैं करता हूँ अंकल। हाँ और इसी नंबर पे कॉल करना, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं ठीक है मैं करता हूँ, अभी करता हूँ अंकल। टू मिनट, फाइव मिनट, कॉल कमिंग। अरे वो कार्ड पे शायद रॉन्ग एड्रेस था, वहाँ धगाधक की जगह कथक चल रही है। पर कार्ड दिया किन्ने था? हाँ मम्मी पापा का फोन बज रहा है। जुगनू भैया थोड़ी इमरजेंसी हो गई है यार। मेरे एक मित्र हैं जो कि बैंकॉक गए हुए हैं, उनको आपकी वाली लड़की नहीं मिल रही यार उधर। हेलो हेलो अभी आवाज आ रही है? हाँ भैया, मैं क्या कह रहा था, वो जो कार्ड दिया था ना आपने, वो सैंडविच मसाज वाली का, यार उसका एड्रेस गलत है शायद कार्ड पे। आप कंफर्म कर सकते हो क्या भैया एड्रेस? याद है कि नहीं? हेलो हेलो क्या हुआ? क्या कर रही है? कर रही है? पागल हो गई क्या? कल ये अकेले यार उधर यार यहाँ। सुन बोलो। एक काम के प्रेशर में पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, सैंडविच खाने बैंकॉक जाऊंगा। पागल हो गई क्या तू? मैं पागल हो गई हूँ? अरे पूरे फोटो फ्रेम की माँ बहन कर दी तू। अरे ना, तू मुझे खाता कार्ड पे जो नंबर लिखा वही डायल किया ना? अरे भैया इससे कैसे हो सकता है? दादा ये कार्ड पे जो नंबर लिखा वो डायल कर दो ना। डायल नंबर, डायल कार्ड। अरे थोड़ा कर दो ना भैया। अबे साला फोड़ दिया। साले एक चलकट में संकट नहीं ला दिया तो मेरा नाम जुगनू ले। साले आज तू भाग ले, आज तू जितना चाहे उतना भाग ले। आप क्या कर दिया? साले तुझे बैंकॉक छोड़ के आऊंगा, आज तू जितना चाहे उतना भाग ले। जिस दिन हाथ आ गया ना, हाथ काट दूंगा। भैया आप क्या कर दिया इन्हें? अगर सही में बैंक आ गया होता तो समझ आती बात। मतलब? अरे मतलब क्या, वो उस दिन टूर वाले कंपनी वाले बैंकॉक वाले उन्होंने वो कार्ड दिया मसाज वाला, तो उसी टाइम तुम्हारी दुकान पे मजाक में कार्ड मैंने इस लबेड़ुआ के हाथ में दे दिया। और इसने मेरी बीबी को फोन करके जो कान भरे हैं, कहा गया वो लबेड़ुआ? मुझे क्या पता। चल थोड़ा छोड़।
हेलो, अरे अंकल जी, नया नंबर चालू हो गया लगता है। आप मुझे लग ही रहा था। अरे नीनी संतू जी, मैंने ये बताने के लिए तो फोन किया ना कि एक सज्जन पुरुष मिल गए हैं जिनको ये अपना एड्रेस पता है और वो मुझे लेके जा रहे हैं अपने साथ की गाड़ी में बिठा के। फोन करता है आज के जमाने में है। संतू जी मुझे तो बड़ी उम्मीद लग रही है कि अपना काम हो जाएगा। अच्छा आप पहुंच गए लगता है, मैं रखता हूँ फोन। अरे ओल्डी ब्रो, प्रोग्राम की जगह डायरेक्ट बूम बूम बोल देते ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बैठो 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 सिट। पूरी दुनिया यही काम करने के लिए आती है, शर्माने वाली बात नहीं है। नाउ यू टेक रेस्ट इन रूम, टुमारो आई विल टेक यू बूम बूम। और हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खापन खाप। क्या बात है अंकल, बहुत थके थके आवाज आ रही है। तब बहुत मेहनत हो रही है अपनी बैंकॉक में। हेलो हेलो अंकल जी, आप रो रही हो? मुझसे नहीं हो पाएगा। हेलो, इस उम्र में ऐसी इच्छा है पाली, उसकी सजा मिल रही है। बहुत अकेला अकेला लग रहा है इधर, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या क्या गलती हो गई अंकल जी? मुझे यार मेरा दिल बैठ रहा है यार, आप बताओ ना सही सही, क्या हुआ क्या अंकल जी? संतू जी, वो जिसको मैं सज्जन पुरुष समझ रहा था ना, तुम चंडाल निकला। उसकी पूरी टोली है, अकेला नहीं है वो। नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी जो भी हुआ वो हुआ, अभी तो अपन सही है ना? कुछ चोट पोट तो नहीं आई ना अपने को? अंकल जी कुछ होता ही नहीं, बाबा महाकाल अपने साथ है यार। तो डेंजर बहुत अच्छा हो गया। आपके साथ जो भी बुरा हुआ वो हुआ, लेकिन मैं छोटी सी गुड न्यूज देता हूँ आपको। अपने को एक नंबर जगह का पता चला है, बाबा प्लाजा। अपने से नहीं होगा, अपने को वापस आना है, वापस आना है संतू जी। अच्छा देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप आपने रोज 80-80 किलोमीटर साइकिल चलाई कि नहीं चलाई? चलाई ना। अरे आप अकेले प्लेन में बैठ के बैंकॉक चलेगा यार? अंकल जी मेरी बस बात मानो, मन को थोड़ा सा केड़ा करो यार। और ये काम ना, ये मैटर आप फिनिश करके आओ, और डरने की जरूरत नहीं है, हम सबकी दुआ आपके साथ है। कुछ भी होता है आप मेरे को फोन करो यार, मैं बैंकॉक आ जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं। ध्यान रखो आप। बाबू जी ये तो बहुत बुरा हुआ, पर इसके बाद तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना। Hello, Mister. Do you wanna boom boom? Pa 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 pa. Do you wanna boom 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 boom?
सामने कुमकुम है तैयार, चौका मार बाय बाय बाय, हिले तेरी दुम दुम, झूल नत झुम झुम, कर दे वार, पक्का प्यार है, do you wanna boom boom boom? wrong number. डांडिया खेलना पड़ेगा डांडिया। लेडी बॉय खुली है तिजोरी, गले में से चोरी, कर ले जो राजोरी, फिर तू कहना ना सॉरी। Baby what's the story, let me take you away, boy you won't be sorry when you're with me on the party। कोने में गुम गुम हो चले हम तुम, मैं तैयार, फुल नाइट का नहीं हो सकता ये? Come on, let's take shower together. Oh. First you shower, I second. Okay. You go now. ตื่นได้แล้วตื่นहेलो अंकल जी, अरे यार फोन उठाया करो जल्दी, मुकेश है लाइन पे। हाँ मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ। हेलो बाबूजी, चरण स्पर्श। खुश रहो, सब ठीक है घर में? हाँ बाबूजी, आप गए हो तब से आपसे बात ही नहीं हो पाई। सब ठीक है? नहीं, हेलो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है बाबूजी। मुझे तो सही ठाक आ रही है, घर में सब ठीक है? अनु बस आपका आशीर्वाद है। और बच्चे बहुत याद करते हैं आपको। अच्छा बाबूजी, दर्शन सही से हो रहे हैं? नहीं
चलो दर्शन सही से हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। और बाबूजी पैर में झुंझुनी तो नहीं आई ना फिर से? नहीं नहीं वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक हो गया, अब तो मजा आ रहा है। चलो ये बहुत अच्छा है। अच्छा भाऊजी शायद आपका भजन वजन चल रहे हैं नहीं, तो आप जाओ मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, हैं? प्रणाम। हेलो अंकल जी। हाँ। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, वो बाबा प्लाजा वाला कुछ बात बनी क्या वहाँ पे? एक बहुत सुंदर लड़की मिली, लेकिन वो क्या है ना कि बात बनते बनते रह गई। क्यों क्या क्या पैसे वैसे ज्यादा मांग रही थी, क्या हुआ? बस ऐसे ही माइंड अलग दिशा में चला गया, मतलब सोचने लग गया कि ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उसको ये सब करना पड़ रहा है, वो भी मेरे जैसे बूढ़े के साथ। अरे आप जैसे बूढ़े क्या अंकल, आपसे ज्यादा बूढ़े, आपसे ज्यादा बदसूरत लोगों के साथ करती है वो। हाँ इसीलिए उनको सेक्स वर्कर कहते हैं, काम है उनका ये, आप ज्यादा सोशल वर्कर मत बनो उधर। लेकिन फिर भी इंसान तो है ना वो, मतलब कोई बिना भावनाओं के बिना रिश्ते के ये सब कोई कैसे कर सकता है? क्या रिश्ते अंकल, आप क्या शादी के लिए का लड़की देखना थोड़ा ना यार, आप इतनी मेहनत की उसके मेहनत में पानी मत फेरो यार आप। और थोड़ा सा अंकल जी हमारा भी तो सोचो ना यार, मतलब हमारा दिल टूट जाएगा, रुलाओगे क्या यार आप? ठीक है संतु जी मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर। ट्राई नहीं करना है अंकल जी, अपने को पक्का काम करना है। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ देखो कम से कम सैंडविच मसाज से तो शुरू करो, क्या पता मन लग जाए। कोशिश करके देखता हूँ मैं। ये हुई बात अंकल जी, अब ना मैं जा रहा हूँ, जरा थोड़ी मीटिंग है मेरी, आप भी थोड़ा ध्यान रखो और अपना काम को सीरियस ले लो, ठीक है? प्याज खाते रहो। चलो ओके गुड बाय, ऑल द बेस्ट। फोरन बात कर रही था थाईलैंड बैंक को, क्या है तुम्हारी? 56। तुमको भी कुछ साल में जरूरत पड़ेगी, जाना हो तो बता देना मैं पूछवा दूंगा वहाँ पे। मुझे जाना है, मुझे भिजवाएगा जुग जुग जुगनू सेठ। चूके गंदे पैर मत करे, मैं तुझे बैंकॉक के मजे जैन में करवाता हूँ, मैं देता हूँ तेरे को फ्री में भाई मसाज। क्या बोला था रे तू मेरी वाइफ को? सैंडविच मसाज, सैंडविच बोला ना, मैं बनाता हूँ सैंडविच। लड़की थी, देख देखकर कहती थी अपने आप को, इंडिया से उसका पुराना नाता था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इतना बढ़िया गा लेते हो, आपको पूरा गाना आता है कि? राज कपूर सबको गाना आता है ये? राज कपूर हाँ, रसिया में बड़ा मशहूर थे, आपको पूरा गाना आता है? राहू
मैं हूँ आसमान का तारा हूँ आ रहा हूँ। रीता की दादी ने रीता का नाम राज कपूर की आवारा फिल्म में नरगिस के किरदार पे रखा था। फिर रीता ऐसे आवारा हुई कि जब मैं उसे मिला ना, तब तक वो 28 देश घूम चुकी थी। अब वो पहाड़ों से घिरे खाउसोक लेक जाना चाहती थी। I'll show you. Oh, look this. Каусок. Прекрасное место, правда? Каджабе. И я туда поеду. You see before? ये पहाड़? Uh-huh. अरे मैडम, मैंने तो समंदर ही पहली बार देखा है। ती अजीन? अरे? अलोन? अलोन? एकदम अलोन। फर्स्ट टाइम ट्रेवल आउट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम प्लान जर्नी। हाँ, सब जा। अरे आई से रॉन्ग? यू नो रॉन्ग। ओके, व्हाट साइड योर होटल? होटल वॉकिंग 1212। एंड व्हाट वेयर योर होटल? होटल हाँ, Searching hostel. Room sharing. Room sharing? Mm-hmm. But why? You share me my room. You share. You want me to share your room? Really? मैं total really बोल रहा हूँ। You are so cute, Atma. What happened? Huh? Nini. मैं पूछ रहा था, मतलब you travel पूरी दुनिया, why? Experience. खर्चा पानी फिर कैसे? Income. Okay. I am travel blogger. Travel. Write. Internet. Oh, internet, हाँ, internet, हाँ. Experience. He marry income high. Experience. तुम्हारी इनकम है? नहीं भैया यार, अरे क्या कर रहा है यार, अरे कट करो यार। नहीं छोड़ दे यार, गुड्डू मुझे बात कर ले यार, अंकल जी से माफी मांगनी है मुझे बहुत यार। इतनी बुझान मत जी, नहीं तो वो आजा, जब 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 माफी मांग ले। क्या पगल वगल हो गए हो क्या, किसी की कहीं निकाल रहे हो? हेलो जुगनू ने क्या गुट दिया तुमको? जुगनू की बात नहीं है, दूसरे का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद का मजाक बन जाता है इंसान का। अरे यार, I have yoga mat. It's okay. अरे हेलो संतु। हाँ अंकल जी। हाँ हेलो अंकल जी, वे कुछ? हाँ आप अंकल जी, बस आज ना बहुत दिल से एक मिनट। आई एम गोइंग टुमारो अर्ली मॉर्निंग, नॉट वेक अप यू, गुड नाइट। अच्छा लगे मिलके बात में। हाँ संतोष, मैं क्या बोल रहा था, आपके किसी लेडीज के साथ हो क्या अंकल जी? हाँ वो एक रशियन लड़की है। बिल्कुल अपने सरीके की है, एकदम सिंपल। हाँ वो, हाँ उसको कमरे की समस्या हो रही थी तो मैंने कहा कि अपना तो पड़ा हुआ खाली है कमरा, आ जाओ पूरा। अंकल जी आपसे ना एक बात बोलनी है मुझे। हम बोलो ना। आप ना यार बहुत भोले इंसान हो, और ये दुनिया ना बहुत कुत्ती चीज है अंकल जी। आप ना किसी का भी बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो यार,
पर सबका दिल आपके जितना साफ नहीं अंकल जी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस रशियन से थोड़ा बच के रहना अंकल जी, क्योंकि मैंने ऐसे दर्जनों किस्से सुने हैं जहाँ पे ऐसी लड़कियां ना आप जैसे शरीफ आदमियों को एकदम दोस्ती के जाल में फंसा के सारा माल फुड़ कर देती है अंकल जी, मतलब पासपोर्ट तक नहीं छोड़ती। हो सकता है ये वैसी ना, मैं बस आपको सावधान कर रही हूं। हेलो, मैं आत्माराम बोल रहा हूँ। हाय आत्मा, योर पासपोर्ट पद पदूषकई अंदर से पीलो, अंदर से पीलो। हेलो, और जय 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 एक बात बोलू, अगर बूम बूम नहीं करना है ना तो वापस चले जाओ इंडिया, सही रहेगा। मुकेश जी, मैं पहले ही कह रहा था ना कि अपने बाबूजी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बाबूजी की जगह अगर कोई और होता, हम में से कोई होता तो साहस होता सच बोलने का। दिया, मैं तो कहानी बनाया था मनगढ़ंत। ये ऐसा है, आपका तो पता नहीं, अपन ने तो ना जीवन में ऐसा कोई काम किया है ना अपन करेंगे जिसके लिए आपको झूठी और अनछन बातें बोलनी पड़े। सीधी बात है, इनने कौन सा कर दिया? बाबूजी आप बताओ, कुछ किया आपने ऐसा? What are you doing here? You say experience couscous like I am so. ये क्या हुआ है नया नया सा, ऐसा लगे बांसुरी सी बज सीने में, शतर शिकारी सा सीने पे भारी सा पत्थर था, जालिम कहीं का ये दिल तो नहीं था, ये बंजर था, आहा। फिर से जीने लगा दिल मेरे सीने लगा, आहा सीने लगा। कहती है हर जगह मुझे, कहता है दिल यार गा, मैं
Я написала в своем блоге, что Индия — единственное место, где секс считается священным, где каждое выражение любви с древних времен считалось путем к спасению. मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि भारत एकलौती ऐसी जगह है जहां संभोग को पवित्र माना गया है, जहां प्राचीन काल से प्रेम और प्रेम के हर इजहार को मोक्ष पाने का मार्ग तक माना गया है। But now, not ऐसा। अगर संभोग वाकई में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग होता ना, तो मैं यहाँ इन थाईलैंड ऐसे छिप छिपा के फैमिली से झूठ बोल के नहीं आता। रीटा, तुमको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Why? Why? For Boom Boom. Really? For Boom Boom? You, Atma? Twenty-two years. My wife is in bed. Dying. Slowly dying. Paralysis. She was a great human being. Best. And beautiful. Very beautiful. इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, सच बिग बिग आईज, और उन आंखों में मेरी दुनिया बसती थी। लेकिन जनवरी में ना वो long time. But never cheating with wife? No. No cheating. Are Nini Bia? No cheating. No cheating. So mission in Thailand successful? Boom boom. No emotion, no extra. I know. Okay. Go, Sogley. Go, Sogley. Go, Sogley. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh,
हेलो कौन? हाँ भारी, स्वर्ग से आत्मा बोल रहा हूँ। स्वर्ग से आत्मा? हाँ बोल आत्मा, ये कौन सा नंबर है? तिवारी मेरे यार, निकल वहां से, अपने मन की आंखों से दुनिया को देख, तुझे भी स्वर्ग मिल जाएगा। हेलो क्या? हेलो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। हाँ संतु जी बोलो। हाँ अंकल जी, बड़ी दीदी है, बात करो। प्रणाम बाबू जी। हाँ बेटा, माय डॉटर। कहाँ हो? नहीं वो मैं अभी हरिद्वार था, कल ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी की और आई है बस आज। बाबू जी जाने आज क्यों, माँ की बहुत याद आ रही है, आज होती तो आपके साथ ही होती नहीं? तो आप दोनों ऋषिकेश हरिद्वार साथ साथ घूम लेते। बाबूजी आवाज आ रही है? सुन रहे हूँ। हाँ कभी कितना मन था ना आपके साथ घूमने का, हमेशा मुझसे इसी बारे में बात करती थी। What happened? Rita. बैड फीलिंग हो रही है। मैंने ना कभी कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोला, यू नो आई नॉट लाई टू माई चिल्ड्रन। उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो, तो उनका बाप। सी आत्मा, फिर उसने मुझसे एक बात पूछी। यू आर गुड हस्बैंड। क्या मैं अच्छा पति था? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे लगा। यस और नो? यस यस। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक अच्छे पिता हो? जो कुछ भी तुम अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, क्या तुमने वो सब किया? Yes or no? Yes. Then no bad happened to you. उसने मुझसे कहा कि मैंने हमेशा हर एक के साथ अच्छा ही किया Only है, good happened to you. तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? अच्छा ही होगा। आनु। अरे कहाँ हो आप लोग? वो डेकोरेशन वाले रफीक भाई आए हैं, पूछ रहे लड़ियां कहाँ से कहाँ लगानी है। उनको बोलो प्रोग्राम कैंसल। अरे लेकिन वो तो... अरे समझ भी नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, एक बोला ना कैंसल मतलब कैंसल। मुक्को बेटा तेरा गुस्सा जाया है, मैं झूठ बोल के बैंकॉक गया, पासपोर्ट छिपाया मैंने। वही तो दिक्कत है, ये सब कांड होने के बाद बता रहे हो आप। आपने कभी एक बार भी नहीं सोचा हमको बताने का? कम से कम बता देते तो बात घर के घर में रहती, इतनी बेइज्जती तो नहीं होती ना। डरता था तुझसे, तब तो छोटा था, तुम उससे डरता था, अब मैं तुझसे डरने लगा। लेकिन आज सब कुछ बता के ना बहुत हल्का हल्का लग रहा,
फोकस बेटा, इस यात्रा में ना मैंने साफ साफ महसूस किया जीवन बहुत छोटा है और हम सबको एक ही जीवन मिला है, उसमें ही तुझे नहीं याद होगा तो इतना छोटा सा होता था। सरला जब भी डांट लगाती थी ना तो मेरे पीछे छिप जाता था, मुझसे गले लगता था। कल किसने देगा, गले लग जाए यार। हम प्यार और इज्जत देके इंसान को भगवान तो बना देते, लेकिन उससे इंसान होने का अधिकार छीन लेते हैं बेटा। कोई नहीं, तुम लोग खुश रहो। आजकल बाऊजी बहुत खोए खोए लगते हैं, तुम उनसे बात करके देखो। नहीं अरे कुछ नहीं हुआ उनको, इस उम्र में ऊंच नीच चलती रहती है, ज्यादा सोच मत। बचपन से मुझे लगता था कि बाबूजी को न तो चोट लग सकती है, न उनको थकान हो सकती है और ना ही उनकी इच्छाएं हो सकती है, क्योंकि वो तो बाबूजी है ना, मेरे बाबूजी। अगर मैं दुनिया जहान के हर आदमी का दुख दर्द पहचान सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो मैं उस इंसान का दुख क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिन इच्छाओं का हक हर इंसान को है, अपने बाबूजी से कैसे छीन सकता हूं मैं? शायद मुझे अभी और बड़ा होना, और समझदार, और ये सब जल्दी होना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हम सबको यही एक जीवन मिला है, तो जो कुछ भी हमें करना है ना इसी जीवन में कर लेना। Boom boom. Do you wanna boom boom?